Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, my dear YouTube family, I hope you would be fine and you would be having a great day. Thank you very much for your previous comments in my last videos. Okay, aaj ke lecture mein basically jo aaj ke video hai, that is not related directly to gender studies, but in today's video I am going to discuss one of the repeated essays in your CSS exam. तो ये जो एसे है एक, उसका नाम है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. सो इट वाज रिपीटेड ट्वाइस इन योर सीएसएस एग्जाम, वंस इन 2013 एंड फॉर द सेकंड टाइम इन 2016. तो कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल था कि सर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि अगर आपने वो जेंडर स्टडीज ऑप्ट की हुई है या जेंडर स्टडी नहीं भी ऑप्ट की हुई, तो क्योंकि ये जेंडर स्टडीज से रिलेटेड है तो आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें. So I thought that it is that it would be very good idea if we are going to address in today's video. So that's why I have chosen this topic. Okay. So agar hum iski brainstorming ki baat kare ki gender equality is a myth, is pe hum brainstorming kya kar sakte hain? Koi bhi jo essay hai, the best strategy is, agar chahe aapko cheeze aati bhi ho, to best strategy phir bhi hoti hai ki aap ek dafa jo aapke paas aap jo bhi aapke paas 10 आई थिंक टोटल आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं एंड यू आर सपोज टू चूज वन ऑफ 10 टॉपिक्स. तो उसमें से जो भी आप एक चूज कर लेते हैं ऐसे, देन यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स कि ये जो ऐसे होगा इसके कीवर्ड्स क्या हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और उससे रिलेटेड मटेरियल के आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके जाएंगे और किन किन एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करेंगे, कौन कौन से इंस्टांसेस जो हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जब तक आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं होगी, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे व्हाट यू वांट टू आंसर, तब तक आप जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको आप जो है वो लॉजिकली बिल्ड नहीं कर सकते और चीज़ों को पूरी तरह से कंक्लूड भी नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन यू नीड टू स्पेंड रीजनेबल टाइम ऑन कॉन्टम्पलेशन. And you are supposed to engage yourself in brainstorming and you need to make some good points. तो इसका तरीका कार ये होता है कि brainstorming करते हुए शुरू में आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको जो एक रफ पेज होता है, आप जो लास्ट पेज हो गए आपकी शीट का, उसको आप रफ पेज बना लें, ठीक है, और उस पर आप जो भी पॉइंट्स आपके, डोंट थिंक दैट इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद योर टॉपिक, आपके अगर माइंड में आ गया है तो आप उसको लिख लें और उसको लिखते जाएं, और बाद में फिर आप उस जो रफ एक वो पॉइंट्स आपके बन जाएंगे उससे आप फिर एक जो रिफाइंड आउटलाइन है उसको आप ड्राइव करना स्टार्ट कर दें और फिर उसकी बेसिस पे फिर आपकी फाइनल आउटलाइन बनेगी और फिर आप उस पर लिखना स्टार्ट कर लेंगे. तो जो अगर मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ तो वो ये था कि मैंने भी इसी तरह ही किया था कि सबसे पहले जो टॉपिक आया था उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स जो भी मेरे माइंड में आते थे मैंने लिख लिए, फिर मैंने उनकी नंबरिंग कर ली कि ये मेरे रिलेटेड होंगे, ठीक है, और उनका मैंने नंबरिंग कर लिया, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट एंड सो ऑन. और आप उसका तरीका कार ये होता है कि शुरू के जो 1-2 पेजेस हैं आपकी मेन शीट के, आंसर शीट के, उसको छोड़ दें और आप लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि होता ही है कि जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर भी आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप ऐसे को किस तरह लिखें. और जब आप ऐसे लिख लेते हैं तो फिर एक आप माइंड में रखें कि आपका टाइम कितना आपने स्पेंड कर लिया हुआ है, तो लास्ट में आप 15-20 मिनट्स ज़रूर रखें, क्योंकि एक तो आपने वो जल्दी से आउटलाइन फिर बना देनी है उसको फाइनल जो आपने पहले पेज छोड़े हुए हैं, और दूसरा आप अगर टाइम हो तो आप अपने ऐसे को रीड भी करें, ज़रूर करें. तो नॉट नेसेसरली 15-20 मिनट्स, आई थिंक 25-30 मिनट्स यू मस्ट हैव, ताकि आप उसको एक प्रॉपर लिख भी सकें और आउटलाइन भी बना सकें. ओके, तो अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो इसमें जो इस ऐसे के जो कीवर्ड्स हैं, दे आर 3 कीवर्ड्स, जेंडर इक्वालिटी और एक वर्ड है मिथ. तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर. तो जेंडर के अगर हम बात करें तो एक तो फिजिकल जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जेंडर के, अगर हम जेंडर को कहें तो हम कहते हैं कि जेंडर से मुराद सेक्स भी होता है, कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे आप कहते हैं ये मेल है या फीमेल है, ऑन द बेसिस यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स. ओके, एक तो ये जेंडर है, और दूसरा जेंडर का जो मीनिंग है वो है इन टर्म्स ऑफ योर सोशल रोल, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं किसी को कि किसी हम
अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें मेल की, तो उसको आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग उसको कह रहे होते हैं बी या मे बी या मैन, हालांकि बायोलॉजिकली तो वो मेल है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कहते हैं कि बी या मैन। वो व्हाट डू यू मीन बाय बी या मैन? बी या मैन मीन्स कि एक सर्टन रोल उस इंडिविजुअल्स के साथ होना चाहिए जो कि एसोसिएट करता है एक एक ट्रू मेल के साथ। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यार तो यू नीड टू बी करजियस, यू नीड टू बी असर्टिव, ठीक है, तो वो हम कहते हैं बी या मैन, ठीक है। तो एक वो जेंडर का वो भी मीनिंग है जो कि सोशल मीनिंग है। ओके, तो यहाँ पे जो जेंडर के मीनिंग हमारे माइंड में आए वो दो आए, एक तो है कि जो कि फिजिकल डिफरेंसेस हैं, और दूसरा है आपके जो सोशल डिफरेंसेस हैं कि आपके जो सोशल पोजीशंस हैं, आपके जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर हम फिजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो फिजिकल डिफरेंसेस की बेस पे हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और अगर हम उसको जेंडर को सोशल मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में लें तो फिर जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, ठीक है। देखिए ऐसे में दिस इज नॉट नेसेसरली दैट वॉट एवर द टॉपिक दैट वॉज गिवन बाय द एग्जामिनर यू हैव टू सपोर्ट इट। यू हैव ऑल द टाइम यू हैव टू ऑप्शन वेदर यू आर गोइंग टू सपोर्ट और यू आर गोइंग टू निगेट इट, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव वेरी लॉजिकल आंसर्स। यू शुड बिल्ड योर पैराग्राफ्स इन अ वेरी इफेक्टिव एंड अ डिसेंट वे दैट यू आर वेरी कन्विंसिंग इन योर पॉइंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बात है आप किस हद तक उसको कन्वे कर पाए हैं और किस हद तक आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज अप टू यू, आप इसको जेंडर इक्वालिटी एज अ मिथ लेते हैं या जेंडर इक्वालिटी को आप एज अ मिथ लेते हैं या एज अ फैक्ट लेते हैं, रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। ओके, सेकेंड अगर इसका जो की वर्ड है वो है इक्वालिटी। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी के भी टू मीनिंग्स आ सकते हैं। एक तो इक्वालिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो अगर हम कहें कि क्या जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं क्या उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ऑब्वियसली इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। अगर हम कह भी लें कि जो थ्योरेटिकली इक्वल अपॉर्चुनिटीज ग्रांट की जाती हैं लीगली, ठीक है, उनके राइट्स उनको दिए गए हैं, तो क्या प्रैक्टिकली जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वल राइट्स को अवेल करते हैं? तो अगेन द आंसर इज नो। तो इट मींस कि अगर हम सिचुएशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वेदर ऑल इंडिविजुअल्स दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो उसका आंसर क्या होगा? नो, और जेंडर इक्वालिटीज अ मिथ। और अगर हम जो उसका दूसरा मीनिंग है इक्वालिटी का वो है इन टर्म्स ऑफ राइट, इन टर्म्स ऑफ रोल, कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके उनको एक जैसे राइट मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको जो रोल्स हैं उसमें उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि क्या सारे इंडिविजुअल्स के इक्वल राइट्स हैं या क्या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रोल्स परफॉर्म करने में फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो द आंसर इज यस। तो अगर इसका आंसर यस है तो फिर हम जेंडर इक्वालिटी जो है, फिर जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, फिर जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और अगर हम मिथ की बात करें तो मिथ से क्या मुराद है? मिथ से मुराद है आपका कोई भी जो आपका मिसबिलीफ है, मिसकंसेप्शन है, ठीक है, या कोई भी एक जो आइडिया जो कि कॉमनली जो लोग उसको परसीव करते हैं बट दैट इज अ रॉन्ग आइडिया, तो वो मिथ का मीनिंग आ जाता है। तो हमारे पास जो इस एसे के की वर्ड्स हैं हमने वो फाइंड आउट कर लिए कि इस एसे के तीन जो की वर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, और हमने उनका मीनिंग्स देख लिए कि इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं। नो, दिस इज एंटायरली अप टू यू दैट विच आर्गूमेंट्स यू आर गोइंग टू चूज, क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि आपने वो जो जेंडर है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में लेना है या आपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में लेना है, आपने इक्वालिटी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में लेना है या आपने इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में लेना है, ठीक है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि आप इसको मिथ कहेंगे या आप इसको एज अ फैक्ट कहेंगे। तो दिस इज एंटायरली अप टू यू। और नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें ये करते हैं कि कोई तो इसको एज अ मिथ ले लेते हैं, कोई इसको एज अ फैक्ट के तौर पे ले लेते हैं, और कोई जो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों अप्रोचेस को ही ले लेते हैं। तो उसमें से जो सबसे अच्छी बात ये होती होगी अगर आप मेरा व्यू पॉइंट लें वो ये होगा कि बजाय आप उसको एक मिक्सचर की पॉलिसी को फॉलो करें या आप चीज़ों को जो है वो मिक्स कर दें, उससे बेहतर ऑप्शन ये होगी कि आप जो एक कोई भी एक व्यू पॉइंट है उसको लें और सारे आपके पॉइंट्स उससे रिलेटेड हों
और एंड पे आप उसको कंक्लूड कर दें। तो ये एक तो आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आप सारे जो एग्जांपल्स होंगी वो उसी से रिलेटेड ही होंगी, और आपकी मर्जी आपने कौन कौन सी एग्जांपल्स देनी है, और अकॉर्डिंगली उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी उसको प्रूव करने में। क्योंकि अगर आप उसको कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो मे बी यू इवन यू आर गोइंग टू कन्विंस द एग्जामिनर, यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज, और आप अपनी ही बात को जो है नगेट कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर चीज़ को मत छेड़ें, ठीक है? आप उसको करने को कर सकते हैं, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो टू बी ऑन सेफर साइड, इट वुड बी द बेस्ट आइडिया कि आप किसी एक चीज़ को लें और आपके सारे आर्गूमेंट्स उसी से रिलेटेड ही हों, ताकि उसमें क्लैरिटी रहे। ओके, इसके अलावा कीवर्ड्स हमने फाइंड कर लिए। कीवर्ड्स के अलावा जो बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट्स हो सकते हैं, वो ये हो सकता है कि हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। हम करंट सिचुएशंस को कंसीडर करेंगे, हम पास्ट की सिचुएशन को कंसीडर करेंगे, या हम फ्यूचर रोल्स की बात करेंगे। फिर अगर हम रोल्स की बात करते हैं, तो जो रोल्स हैं अगर हम उनको इक्वल रोल दे देते हैं, तो क्या उनके रिजल्ट्स भी इक्वली हो सकते हैं कि नहीं, दैट इज़ अनदर पॉइंट टू बी थॉट। फिर हम उसको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली देखते हैं कि किस किस तरह से हम चीज़ों को लेके जा सकते हैं। फिर हम स्कोप की बात कर सकते हैं कि इसको हमने किस लेवल पे डिस्कस करना है, एक सर्टन एरिया तक लेके जाना है, या वर्ल्ड लेवल करना है, रीजनल करना है, ठीक है, वट एवर, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल, उसकी बात करते हैं। फिर हमने वेरियस एग्जाम्पल्स की बात करनी है कि हमने आपने किस किस चीज़ों को पिन पॉइंट करना है। ओके, तो ये जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, की वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, हमने वेरियस पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने अब आपने थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करना है कि आपकी पॉलिसी क्या हो सकती है। जब आप इस पॉलिसी की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो फोकस होगा, मसलन उसमें जो अब हम ऐसे लेके चलेंगे, तो उसमें मैं इसको जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं उनकी बेस पे बात, उसकी बेस पे जेंडर को डिस्कस नहीं कर रहा। हम जो इस एसे में डिस्कस करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जो रोल है उनकी बेस, जो उनके इंडिविजुअल्स के रोल है, या जो सोशल पोजीशंस हैं उनकी बेस पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं। और जो इक्वालिटी है वो इन टर्म्स ऑफ, हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, सिचुएशन की बात नहीं कर रहे कि उनको मिलती है कि नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पे जो मैं इस पॉइंट को लेकर चलूंगा वो इन टर्म्स ऑफ जो है, वो इन टर्म्स ऑफ राइट की बात होगी, वो इन टर्म्स ऑफ रोल की बात होगी कि उनको इक्वल रोल मिलने चाहिए कि नहीं, ठीक है, या वो उसमें इक्वल परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट्स पे, अगर मैं इन पॉइंट्स पे फोकस करूँ, तो फिर जो मैं एक जो मेरे रफ पॉइंट माइंड में आए, और जो मैंने उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेके चला, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो अपनी आउटलाइन है उसको नैरो डाउन कर लिया, और मैं चला गया कि अच्छा मैं इस ऐसे में डिस्कस करूंगा राइट या पोजीशन के हवाले से, ठीक है, या मैं इसमें राइट एंड पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, और मैं जो है वो जो सोशल रोल्स हैं उनकी बात करूंगा, और मैं इक्वालिटी को सपोर्ट करूंगा, और इक्वालिटी को मैं एज अ फैक्ट के तौर पे लूंगा रादर देन मिथ, और उसको मैं मल्टीनेशनल लेवल लेवल पे उसकी एग्जांपल्स दूंगा। तो ये आपकी फिर एक जो फाइनल आप आउटलाइन कह लें आपका वो बन जाएंगे कि अब आपकी सारी, ये मेरे मेन पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने ऐसे को लेके चलना है, और इससे रिलेटेड अब मैंने एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंगली फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि जो रोल्स हैं बायोलॉजिकली तो इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, और वो नेचुरली तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप सोशली रोल्स की बात करते हैं, तो फिर आप वो इक्वल नहीं, फिर सॉरी कि जब आप बायोलॉजिकल बात करें तो वो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन जब आप सोशल की बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर जो इन टर्म्स ऑफ रोल इंडिविजुअल्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप वो वेरियस कंट्रीज की एग्जांपल दे सकते हैं, करंट पोजीशंस की बात कर सकते हैं, पास की बात करते हैं, तो दैट वुड बी योर इंट्रो। ओके, अब उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो किस हद तक जरूरी है या नहीं है, थीसिस स्टेटमेंट ये होती है कि बेसिकली आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, आपके इंट्रोडक्शन का जो लास्ट सेंटेंस होगा, मोस्टली ये होता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको शुरू में लेके चले जाते हैं, कुछ उसको मिड में आते हैं, लेकिन आई थिंक सो दिस वुड बी द बेस्ट आइडिया कि आपका जो इंट्रोडक्शन का जो लास्ट सेंटेंस है वो जो है वो थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। और उस थीसिस स्टेटमेंट में आपकी क्लैरिटी होती है कि आप अपने एसे को किस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है, या किन चीज़ों पे आपका फोकस होगा, और किन चीज़ों को आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को आप इन अदर वर्ड्स आप रिपीट कर देते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। तो अगर हम इस एसे की थीसिस स्टेटमेंट की बात करें, और इस एसे को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेके, जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट रादर देन अ मिथ,
तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट अगर वो बनाऊं मैं, सॉरी दिस इज अ इंट्रोडक्ट, दिस इज द ब्रीफ आउटलाइन जो हमने ये डिस्कस किया था, उसकी बेस पे ये हमारी अब आउटलाइन होगी जिसको हम लेके चलेंगे। चलिए मैं पहले थीसिस स्टेटमेंट बता लूँ, फिर हम इसके आ जाते हैं। तो अगर जो इस ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट होगी, थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी कि देर इज एम्पल एविडेंस दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन एक्सरसाइजिंग देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, मिलिट्री, लिटरेरी, सोशल एंड कल्चरल रोल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एथनिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीपल कल्चरल बैकग्राउंड्स। सो जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी, यू कैन चूज द वर्ड रियलिटी और फैक्ट रादर देन अ मिथ। सो दैट वुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट। अब ये जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्लैरिटी दे दी है कि यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे। हम इस पे जो फोकस कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ रोल बात कर रहे हैं, और उस रोल में हम कहते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, लीगली, मिलिट्री के हवाले से है या जो भी है। तो हम कहते हैं कि आपके बैकग्राउंड से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके जो रोल्स हैं या आपके जो राइट्स हैं वो सेम हैं। तो इसलिए जेंडर इक्वालिटी, ये कहना कि इंडिविजुअल्स रोल्स में इक्वल नहीं हो सकते, तो ये जो रोल कहना ये बात गलत है, बल्कि वो ऑलरेडी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी। और इसमें हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं और किस बेसिस पे आप उन पे रिलाई कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम आउटलाइन की बात करें तो आपकी जो आउटलाइन होगी वो इस ऐसे की, अच्छा इसमें जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जो ऐसे की आउटलाइन है वो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं या कुछ अपने सीनियर्स का, जो भी कोलीग्स का, तो उसमें जो आउटलाइन है, आउटलाइन मीन्स आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन का मतलब वो नहीं है कि आप पैराग्राफ उसमें आउटलाइन में जड़ दें और फिर आगे से आप जो है वो ऐसे को लेके चलें, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अब मैं देखें, कोई भी जो चीज़ है देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, कि मैं ये कहूँ कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही चीज़ ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है, क्योंकि ऐसे इज अ वेरी क्रिटिकल और इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, जिसको बहुत सारी मिस्टेक्स को अपने ओवरकम करना होता है। या तो ये है कि अगर आपकी आउटलाइन आप सेंटेंसेस में बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि देर शुड बी नो रेपिटेशन, ठीक है, कि ये नहीं है कि आप एक जो है आपके पास ऐसे में एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा थोड़ी सी जो है वो आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए और आपके पास डिफरेंट आइडियाज होने चाहिए जिसकी बेस पे आप चीज़ों को मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर सकें। तो अगर आप उसको सेंटेंस फॉर्म में आउटलाइन बना रहे हैं और वही सेंटेंसेस आगे आप पैराग्राफ में भी आप फिक्स कर रहे हैं, तो देन इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। फिर इससे बेहतर है कि आप आउटलाइन को आउटलाइन ही रखें और उसको आप बुलेट्स की फॉर्म में दें, ठीक है, और उसमें चीज़ों को जो है इन डिटेल ना दें। दूसरी बात और है, अगर आपकी आउटलाइन 3 पेजेस की है और आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, तो अब देखें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2500 से 3000 के करीब आपने उसकी होनी चाहिए, और ऑन एवरेज हम कहते हैं कि यार वो तकरीबन जो है ना मोर देन 2000 वर्ड्स। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम कहते हैं कि यार मिनिमम जो है, चाहे एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनर है उसकी रिक्वायरमेंट तो ये है कि 2500 से 3000 तक, लेकिन वो आप ना भी मीट कर सकें तो एटलीस्ट आपका जो एसे है वो मोर देन 2000 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, और अगर आपका वाई वी आर गोइंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ लिमिट ऑन वर्डिंग, तो हम कहते हैं कि यार ये जो वर्ड लिमिट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लिसिटली एलेबोरेट कर सको। और अगर आपने वो टाइम आउटलाइन पे ही स्पेंड करना है, तो आप जो आर्गूमेंटेशन है उसमें आप कितनी बातें फिर करेंगे। देखिए ना, आपके पास 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स में आपने आउटलाइन भी बनानी है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है, आपने उसको ऐसे को लिखना भी है, और आपने एक रीजनेबल लेंथ को भी अचीव करना है ऐसे की, और फिर आपने उसको दोबारा रीड भी करना है। तो इट मीन्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ में जो है ना वो टाइम स्पेंड करते जाएं। तो आउटलाइन को आप बुलेट्स फॉर्म में रखेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। एक तो उसका ये फायदा होगा आउटलाइन का कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा जो उसका फायदा ये होगा, वो उसमें आपकी फिर आगे या पैराग्राफ में रेपिटेशन नहीं होगी सेंटेंसेस करने में, ठीक है। और तीसरा ये होगा कि आप विद इन नो टाइम, कि मगर मैंने ये कहा कि आप 1 पेज छोड़ दें, 1 2 पेजेस,
और आप अपने ऐसे लिखना शुरू कर दें, और अगर आप 20 मिनट पहले भी ऐसे ख़त्म कर लेते हैं तो आपके अगर बुलेट्स ही लिखने होते हैं तो वो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा उनको ना, विद इन 5 मिनट्स आप अपने बुलेट्स को जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा इसी को सपोर्ट करता हूँ और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बुलेट फार्मिंग, कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि जी कि वो ये होना चाहिए, होने को हो सकता है बिल्कुल, उसमें देर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एंड द फाइनल डिसीजन रेस्ट टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज माई ओन थिंकिंग, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई ओन व्यूज विद यू इन द बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, तो ये हमारी आउटलाइन होगी, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट भी हमने बना ली कि हम इसमें किस की तरह से उसको लेकर चलेंगे। अब हम आ जाते हैं उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ। ओके, तो जो भी आपका ऐसे होगा, थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसके बाद आप इसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि कोई सी एक आप ऐसी थ्योरी की सपोर्ट ले लें जिससे आप अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर सकें। तो जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ, ठीक है, तो इसमें जो हम थ्योरी लगाएंगे वो हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करेंगे कि जो लिबरल फेमिनिज्म है वो किस तरह, वो इस आइडिया को किस तरह से सपोर्ट करती है कि वो जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, और वो कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ राइट्स है, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन है, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, और उसमें जो आपके पास रोल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो दे शुड नॉट बी लिमिटेड टू कास्ट, कलर, क्रेड, रिलीजन, बिलीव्स एंड सो ऑन, ठीक है। और जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म की बेस पे जब हम सोशल वेलफेयर स्टेट्स की बात करते हैं तो फिर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, और स्टेट जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट उस वक्त बनाती है जब वो सारे इंडिविजुअल्स को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज दे रही होती हैं, एंड वन इंडिविजुअल इज नॉट गोइंग टू बी गिवन एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ठीक है। और फिर हम उसको वेरियस एग्जाम्पल्स की बात बता सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अब हम इंडिविजुअल्स के पास किस तरह से अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं और किस वजह से वो चीज़ों को सफर कर रहे हैं। ओके, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी हम वेरियस एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। उसमें एक तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात कर सकते हैं कि जब अगर हम उसमें बात करते हैं, स्पेशली हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि वहाँ पे मैट्रियार्की थी। अगर आज पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की मीन्स रूल ऑफ फादर, तो हम कहते हैं कि जो रोल्स हैं, रोल्स में सारे इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसने उन रोल्स को अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर हम पैट्रियार्की की बात करते हैं तो मेल डोमिनेशन रहती है, और मेल डोमिनेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो मेल के पास है, तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मैट्रियार्की भी एग्जिस्ट करती रही है, और रूल ऑफ मदर, ठीक है, और मैट्रियार्की में जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो ओवरऑल आपकी जो इन्फ्लुएंशियल पोजिशंस हैं वो वेमेन के पास रही हैं, और वेमेन ने अपने आप को एज अ रूलर प्रूव किया है। ओके, उसके बाद अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो एंशियंट सिविलाइजेशन में हम ग्रीक और रोमन की बात करते हैं पीरियड की, तो इस पीरियड में अगर हम देखते हैं कि जो क्वीन थियोडोरा है और जो उसमें जो रूलर जस्टेनियन था, तो दोनों ने रूल किया था और दोनों ने बड़ा अच्छा रूल किया था, और जो उनकी उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनको उन्होंने बड़े टेक्निकली उनको हैंडल किया था, और उन्होंने अपनी जो अपना जो रूल है उसमें उन्होंने जो एक यूनिटी का एलिमेंट है उसको भी उन्होंने इंश्योर करवाया था। और बाद में ख़ास तौर पे जो जस्टिनियन था, जस्टिनियन को थोड़ा सा इशू फेस हुआ रेबेलियन का, और वो इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में उसको डिफिकल्टी आ रही थी, तो जो क्वीन थी थियोडोरा उसने उसको बड़े वैल्यूबल इनपुट्स दिए कि किन की बेसिस पे वो जो अपना रूल है उसको वो प्रोलोंग कर सके। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल्स हैं वो सिर्फ मेल के पास ही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल्स हैं, वमेन को अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने भी अपने आप को एज अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर प्रूव किया, और इवन वो मेल के साथ बड़ी सपोर्टिव थी, और उन्होंने उनको जो उनका जो एक रूलिंग एरा है उसमें उन्होंने उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। ओके, अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आप क्लियोपत्रा का नाम आपके माइंड में आता है, तो जो क्लियोपत्रा थी जब तक ये रूलर थी तो तब तक जो किंगडम ऑफ इजिप्ट था वो जो था दैट वाज वेरी, यू कैन से दैट वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि जो पीपल थे
पीपल दे वर वेरी हैप्पी, और दूसरे नंबर पे ये था कि वहाँ पे जो वेरियस वहाँ के जो इश्यूज आ रहे थे, जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स को भी क्लियोपत्रा ने बड़े बड़े जो है स्ट्रेटजिकली चीज़ों को हैंडल किया था। लेकिन जो ही जो क्लियोपत्रा थी, क्लियोपत्रा के रेन के बाद जो इजिप्ट था वो बेसिकली बन गया प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर। तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने में वेमेन ने बड़ा रोल प्ले किया है, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। वो अलग बात है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेल के पास ही रहे, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन स्टीरियोटाइप एटीट्यूड दैट मेन दे आर द गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे कैन प्रोवाइड वेरी डिफेंसिव रोल, तो हम ये कहते हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी वेमेन को मिली है तो वेमेन ने भी उस रोल को बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, और उसकी एग्जाम्पल हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ली। ओके, अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें जिसको डार्क एजेस ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें जो दो तीन एग्जांपल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एलेनोर ऑफ एक्वेटेन का नाम आता है। अब जो ये लेडी थी, हमारी सोसाइटी में अगर हम आजकल की एग्जांपल्स लें तो हम कहते हैं कि जो हम रोल्स की बात करते हैं कि रोल्स में हम कहते हैं कि जो मेल का रोल है वो इंडिपेंडेंट है और फीमेल का रोल जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं एलेनोर ऑफ एक्वेटेन का, तो शी वॉज गोइंग टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द वेल्दियस्ट फीमेल इन द यूरोप, और जो वो इंडिपेंडेंट थी और वो डिपेंडेंट नहीं थी, जिस तरह आज हम वो टिपिकली ट्रेडिशनल रोल्स की, अगर हम वो ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उस रोल्स को डिफाइन करें, तो जो एलेनोर ऑफ एक्वेटेन थी ना कि वो एक रिचेस्ट लेडी थी, उसके साथ साथ तो वो बाद में क्वीन ऑफ फ्रांस भी बनी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड भी बनी, और इवन उसने लीड किया था क्रुसेड को टू द हॉली लैंड। तो उसका बड़ा एक नाम था एलेनोर ऑफ एक्वेटेन का इन द यूरोप। और उसके बाद अगर हम इजाबेला वन की बात करें, तो जो इजाबेला वन है ये क्वीन ऑफ कैस्टाइल रही है, और बाद में इसने शादी की फर्डिनेंड सेकेंड ऑफ अरागोन, और बाद यानी कि जब उसने उससे शादी कर ली तो बाद में जो इनकी इसकी जो शादी थी वो स्पेन की यूनिफिकेशन में दैट प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल, और जो स्पेन था उसने यूनिफिकेशन को गेन किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स वन, जो कि उनका ग्रैंडसन था। तो अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हम कहते हैं कि डिफरेंट इरा में, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेडिवल पीरियड हो, तो जो वेमेन हैं, वेमेन को जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो वेमेन ने उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। फिर इसके बाद हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, जो कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो एलिजबेथ वन का है। अब एलिजबेथ फर्स्ट से पहले जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में भी सेक्टेरियनिज्म था, और जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स थे, ठीक है, उनमें भी फाइट होती थी, जैसे हमारे यहाँ जो सेक्टेरियनिज्म एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे भी इश्यूज थे। और जब तक आपको पता है कि जब तक पीस एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आपकी जो प्रोग्रेस है जो सोसाइटी की वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो एलिजबेथ फर्स्ट जब आई थी, तो एलिजबेथ फर्स्ट ने उस सेक्टेरियनिज्म को ओवरकम किया था, और उसने उसको एज अ ग्लोबल, इंग्लैंड को इमर्ज करने में एज अ ग्लोबल पावर उसने अपना बड़ा रोल प्ले किया था, और उसको कंसीडर किया जाता है एज इम्पॉर्टेंट एज हेनरी द एट। तो अब जो हेनरी एट का जो नाम है इंग्लैंड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके दौर में इंग्लैंड ने बड़ी तरक्की की। तो अगर एक मेल के रेन में अगर किसी कंट्री ने तरक्की की, तो उसी कंट्री ने एक फीमेल कि जो है टेन्योर में भी उसी तरह ही ग्लोरी को गेन किया। तो एलिजबेथ फर्स्ट जो है इसको भी बड़ा रिस्पेक्टेबल वे में इसको जाना जाता है। फिर जो दूसरी एग्जांपल इसमें आ जाती है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट में वो कैथरीन फर्स्ट की आ जाती है। तो जो कैथरीन फर्स्ट है ये इसने बेसिकली रूल किया था रशिया को, और शी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एम्प्रेस ऑफ रशिया। और उसके बाद क्या होता है कि जो यूनाइटेड रशिया था इसके दौर में, इसने जो इसके जो रशिया के कुछ वो इलाके जो पोलैंड और टर्की के पास थे, इसके इरा में इसने उन टेरिटरीज को इसने वापस रीगेन किया। तो इसने दोबारा उसको जो रशियन एम्पायर है उसके कंट्रोल में लेके आई। तो यानी कि ये वो इलाके थे रशिया के जो कि ड्यूरिंग मेल टेन्योर में, जब उनके जो रूलर्स थे मेल थे,
जब वो उन चीज़ों को रिकैप्चर नहीं कर सकते थे, तो जो कैथरीन फर्स्ट थी, इसने उन एरियाज़ को दोबारा रिकवर किया। और अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो मॉडर्न पीरियड में एलेनर रूजवेल्ट की एग्जांपल आती है। एलेनर रूजवेल्ट जो है, जब आपका ड्यूरिंग 1940s, जब यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था, जब वो बिल्ड हो रहा था, तो शी वाज अ फर्स्ट अमेरिकन लेडी, ठीक है, जिसने उसमें रिप्रेजेंटेशन की थी। और आप जो यूएन का चार्टर है, उसकी फॉर्मुलेशन में जो एलेनर रूजवेल्ट है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसके अलावा भी जो प्रेसिडेंशियल डिसीजंस थे, क्योंकि जो रूजवेल्ट था, रूजवेल्ट के बहुत सारे जो डिसीजन थे, वो दे वर गोइंग टू बी बेसिकली इनिशिएटेड बाय हिज वाइफ। तो एलेनर रूजवेल्ट ने अपने जो फादर को पॉलिटिकली सक्सेसफुल बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। ओके, अब हम वेरियस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि किसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो मिथ नहीं है। सो जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल रोल्स की बात कर लें, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, तो अगर मेल को हम पॉलिटिकली सक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं, तो अगर पॉलिटिकली किसी फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसने भी उसी तरह से ही कंट्रीब्यूट किया है, और वो उसने भी अपने आप को सक्सेसफुल डिक्लेयर करवाया है। क्योंकि जो सारे मेल हैं, सारे मेल भी पॉलिटिकली सक्सेसफुल नहीं होते। तो अगर सारे मेल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो सारी फीमेल्स भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसी तरह अगर हम कुछ मेल्स को सक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं, तो इसी तरह हम कुछ फीमेल्स को भी पॉलिटिकली सक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं। उसकी एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो हम लेते हैं ड्यूरिंग 1980s। ड्यूरिंग 1980s में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वो था रोनल्ड रीगन। और उसके पैरेलल अगर हम यूके की बात करें, तो यूके में उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी मार्गरेट थेचर। तो जो रोनल्ड रीगन है, उसको बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन समझा जाता है अमेरिकन जो है, अमेरिकन की ग्लोरी में, या अमेरिकन के जो एक्सटर्नल उनके जो इश्यूज थे, उनको प्रोटेक्ट करने में। और स्पेशली जो रोनल्ड रीगन है, रोनल्ड रीगन ने जो क्योंकि ड्यूरिंग इन द लास्ट 1970s, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। तो उसने जो रोनल्ड रीगन था, उसने यूएसएसआर के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, उनको नेगेट किया था, और वो एंटी यूएसएसआर अप्रोच उसने अडॉप्ट की थी। ओके, तो जो ये जो पॉलिटिकल के आपका जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, एट अ सर्टन पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उसमें रोनल्ड रीगन का वो कंट्रीब्यूशन समझा जाता है कि उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा कि उसने एंटी कंपेन की यूएसएसआर, और जिसकी वजह से देर वॉज अ डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, और बहुत सारी रियासतें बनी। तो हम कहते हैं कि उस दौर में बहुत सारे जो पोलिटिकल डिसीजंस थे, उसके पैरेलल वो मार्गरेट थेचर ने भी लिए थे। और जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के कुछ एरियाज जो थे, वो अटलांटिक ओशन में थे, और वो डिस्प्यूटेड थे अर्जेंटीना के साथ। और जो मार्गरेट थेचर है, उसने जो फॉकलैंड है, उसको दोबारा रीगेन किया अर्जेंटीना से, ठीक है। तो जो पॉलिटिकली अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस रोनल्ड रीगन ने लिए थे, तो उसी दौर में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस है, वो मार्गरेट थेचर ने भी लिए थे। और दूसरा ये था कि आपको जब भी कोई रूलर होता है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, वो ये होता है कि वो जो है ना, कितने बोल्ड डिसीजन ले सकता है पॉलिटिकली, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से रन कर सके। तो अगर उस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो क्या होते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिसीजंस ये होता है कि हो दे आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो अपने जो एक्सपेंसेस हो गए उनको मीट कर सके। और रेवेन्यू का बेहतरीन जो तरीका होता है, दैट इज थ्रू टैक्सेस। तो अब अगर टैक्सेस लगाना जो था, दैट इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि उसकी वजह से जो आपको एक सवेर अपोजिशन है, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो आपका जो इकोनॉमिक रिसेशन से निकालने में, खासतौर पे जब हम कहते हैं, और आपका जो गवर्नमेंट की बेटर एफिशिएंसी में अगर रोनल्ड रीगन का कंट्रीब्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मार्गरेट थेचर है, उसने भी उसी तरह से ही अपने इस रोल को परफॉर्म किया है। तो दैट एग्जाम्पल फ्रॉम पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली भी देखा जाए, तो अगर मेल का भी रोल है, तो फीमेल का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम एडम स्मिथ की थियरी को देखें तो वो कहता है कि आपकी जो इकोनॉमी है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक है उसका हाउस होल्ड पार्ट और दूसरा है उसका जो है वो हाउस होल्ड पार्ट दैट इज अ डोमेस्टिक पार्ट, और दूसरा है आपका प्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर जो आपकी प्रोडक्शन है, अगर प्रोडक्शन में मेल का कंट्रीब्यूशन है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी तरह जो आपका हाउस होल्ड टास्क है जिसमें वेमेन का रोल है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं विदाउट मैनेजिंग डोमेस्टिक एक्टिविटीज, वो उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो जो वेमेन हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी, आपकी जो इकोनॉमी है वो हमारी सोसाइटी में, तो आपका जो डोमेस्टिक पार्ट है वो अनपेड है ना, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वेमेन का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है या ये इकोनॉमिकली तो कुछ इनके कंट्रीब्यूशन नहीं है। अदरवाइज आप उनको अगर पे करें, अगर वो डोमेस्टिक अफेयर्स में काम कर रही हैं, तो डोमेस्टिक अफेयर्स के बजाय अगर वो डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज नहीं किया जाएगा तो आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाती। तो हम कहते हैं कि ये जो आपका हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है आपकी इकॉनमी में, अदरवाइज आपकी इकॉनमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो अगेन वी आर गोइंग टू से दैट वेमेन जो है वो इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में एक तो एडम स्मिथ की थ्योरी की भी आप बात कर सकते हैं, दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आप जो 21st सेंचुरी है उसमें जो वेमेन का रोल है इन इंडस्ट्री, आप उसकी भी बात कर सकते हैं कि यूरोप में जो वेमेन्स का इंडस्ट्रियल रोल है आजकल, जो वेमेन्स का इंडस्ट्रियल जो रोल है उसमें वेमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, तो आप उस पर भी इस पॉइंट को लेके आ सकते हैं। ओके, थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रिलीजियस एस्पेक्ट्स, कि जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल्स किस हद तक अपने रोल्स में इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो अगर मेल का एक स्टेटस है उसकी एक रिस्पेक्ट है, तो वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी जो है वो वेमेन को भी इस्लाम ने दी है। और अगर मेल अकाउंटेबल है अपने टास्क के लिए तो वेमेन भी अकाउंटेबल है अपने टास्क के लिए, और जो एक्टिविटीज़ और जो इंस्ट्रक्शंस मेल के लिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस फीमेल के लिए भी हैं, नो वन इज एग्जेम्प्टेड। अब इसमें कुछ जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं वो आप ना लेके आए, कंट्रोवर्शियल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि आप कहें जी कि इस्लाम में तो कोई नबी नहीं आया, जो मेल है वो सिर्फ नबी हैं वो मेल ही रहे हैं और फीमेल तो कोई नबी नहीं आई इस्लाम में। तो अब ये जो पॉइंट है, क्योंकि जो ऐसे है दैट इज इन योर कंट्रोल, कि आप एक वो पॉइंट्स लें जिनको आप इजीली सपोर्ट कर सकें और उसमें आपके पास मटेरियल हो, एग्जामिनर आपके सर पे नहीं बैठा होता कि आप उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हो कि आपने ये एग्जाम्पल लिखी है तो ये एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखी, या आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को क्यों नहीं लिया। तो दैट इज एंटायरली अप टू यू कि आपका जो एक टॉपिक है उसमें से आप क्या मीनिंग्स ले रहे हैं और इन मीनिंग को आप कैसे इलेबोरेट कर रहे हैं। तो डोंट ट्राई टू गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज, ठीक है। तो आप जो चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं उनको आप उस चीज़ से निकाल दें। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा बंदा लेके एग्जाम्पल देता है कि इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है और उसमें वो ये एग्जाम्पल देता है, तो उसकी ये एग्जाम्पल भी चल जाएगी, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप अपने पॉइंट जो है वो किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं और उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए सारी एग्जांपल्स ठीक हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम उसको जेंडर इक्वालिटी को एज अ फैक्ट के कंसीडर में लेके आ रहे हैं, हम उसको एज अ मिथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके आ रहे हैं, और हम इन टर्म्स ऑफ रोल के बारे में लेके आ रहे हैं, तो हम इसमें वो एग्जाम्पल्स देंगे जो हमारे व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हम इस्लाम में जो एग्जाम्पल्स है वो रिस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी की दे सकते हैं। प्लस ये कि जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है उनकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वो उस जगह पे दुआ मांगते थे जहाँ पे हज़रत मरियम ने दुआ की थी, क्योंकि उनको ये था कि मेरी दुआ में भी वो जो है उसकी जो कबूलियत है वो उसी तरह से ही हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस्लाम में मेल या फीमेल दोनों की एक ही रिस्पेक्ट है, एक ही तरह की डिग्निटी है और उनका एक ही तरह का स्टेटस है, और नो वन इज सुपीरियर, ठीक है। ओके, फिर अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में अगर हम किसी को क्रिश्चियन कहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जो क्रिश्चियन है वो जीसस का तो फॉलोअर है, मैरी का वो फॉलोअर ही नहीं है। तो आपको क्रिश्चियनिटी में अगर आपने जीसस को फॉलो करना है तो आपको मैरी को भी जो है वो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। और इसी तरह हम कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में अगर प्रीस्ट का रोल है तो एक नन का भी रोल है। तो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करने में, ठीक है, किसी हद तक वो डिफरेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट उनको हर जो इंडिविजुअल है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो अपने रोल्स को परफॉर्म करें। इसी तरह आप हिंदुइज्म की बात कर लें तो हिंदुइज्म में अगर हम कहते हैं कि मेल शिवा का रोल है तो काली देवा फीमेल का भी उतना ही रोल है, और कुछ लोग समझते हैं कि जो शिवा है वो सुपीरियर है
काली देवी से, और कुछ लोग समझते हैं, स्पेशली जो हिंदू बंगाल में है, वो समझते हैं कि जो काली देवी है वो सुपीरियर है शिवा से। तो मींस जो कि हमारी डिस्कशन है उसमें ये है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या बाकी अदर रिलीजन्स हैं, तो उसमें जो मेल है, अगर मेल को रोल दिया गया है तो उस फीमेल को भी रोल दिया गया है, उसको भी रिस्पेक्ट दी गई है, या उसकी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अक्नॉलेज किया जाता है। तो ये नहीं है कि एक को ही सपोर्ट किया जाता है दूसरे को नहीं। ओके, अगर हम सोशल एस्पेक्ट्स की भी बात करें तो सोशल एस्पेक्ट्स में आप जो रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी है उसकी हम बात कर सकते हैं कि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ है, वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आप इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे। वो एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है ना, 1-1-2-11। तो इट मीन्स कि आपकी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप ये एग्जाम्पल्स देते हैं कि जब तक आप सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सोशल प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो एजुकेशन में अगर मेल को वेटेज दी जाती है तो फीमेल को भी दी जाती है। इसी तरह इनहेरिटेंस में अगर मेल का भी शेयर है तो फीमेल को भी दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने लॉ मेकिंग की कि वेमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं तो वो उसमें दोनों आ जाते हैं। यानी कि बाकी भी आपके जो सोशल राइट्स हैं, हम ये नहीं कहते कि एक को राइट टू वोट है फॉर एग्जांपल, तो राइट टू वोट अगर मेल को है तो वो फीमेल को भी है। उसमें कुछ गल्फ कंट्रीज को अपन निकाल दें तो, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे तो जो है वो उसमें ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम कहते हैं कि जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आपके सोशल राइट्स हैं, आपका राइट टू मूवमेंट है, ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, और आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका राइट टू एसोसिएशन है, वट एवर, तो जितने भी आपके राइट्स हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि जो एक इंडिविजुअल है उसको तो राइट्स दे दिए जाएं तो जो दूसरा इंडिविजुअल है उसको राइट्स ना दिए जाएं, तो आपको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसी तरह आपके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें तो अगर मेल को कहा जाता है कि मेल साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो फीमेल भी साइकोलॉजिकली उतनी ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो चाइल्ड रेयरिंग है, चाइल्ड रेयरिंग में जो फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी नोटेबल। और जो इस और ड्यूरिंग जो है जो फीमेल लेबर पेन बर्दाश्त करती हैं वो उनके जो साइकोलॉजिकली जितना वो स्ट्रांग है वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली भी जो वेमेन है वो किसी हद तक भी उस तरह से कमज़ोर नहीं है जिसकी बेस पे हम ये कहा जाए कि वो किसी रोल के लिए मिसफिट है। तो साइकोलॉजिकली भी बोथ इंडिविजुअल्स दे आर इक्वल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स। ओके, अगर हम मिलिट्री एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं तो मिलिट्री एस्पेक्ट्स में भी हम ये कहते हैं कि मोस्टली तो ये कहा जाता है ना कि जो एक वॉरियर रोल है दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद द मेल, और जो एक सपोर्टिव रोल है वो फीमेल के साथ है। तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का जो है ये कंकॉक्टेड बिलीफ है, अदरवाइज जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं तो फिर जो वमेन है वो भी अपने अपना जो एक वॉरियर रोल है उसको उसी तरह से ही एक्सप्रेस कर सकती हैं। उसकी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, एक तो जो हज़रत सफ़िया की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हज़रत सफ़िया जो थी उसने जब ज्यूज जो थे उन्होंने मदीना को अटैक किया था तो हज़रत सफ़िया ने भी डिफेंड किया था, और उन्होंने भी जो ये एक ड्यूरिंग द वॉर जो एक रोल होना चाहिए, एक एक्टिव रोल, वो परफॉर्म किया। दूसरा जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो जोन ऑफ आर्क की एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये था कि जो फ्रांस है और इंग्लैंड है उसमें 100 ईयर्स ऑफ वॉर रही है, और उसमें जो ये 100 ईयर्स ऑफ वॉर ये थी कि जिसमें हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट उनका रहा था और ऐसा किसी एक को भी जो विक्ट्री है वो नहीं मिली थी। और जब तक फ्रेंच आर्मी को जोन ऑफ आर्क लीड कर रही थी तो इंग्लैंड इस पोजीशन में नहीं था कि ये उनसे जो है वो ट्रू विक्ट्री जो है उसको इंश्योर कर सके। तो बाद में जो जोन ऑफ आर्क है जब उसको इन्होंने फाइनली इंग्लैंड ने पकड़ लिया और उसको विच डिक्लेयर किया और उसको जला दिया कि ये ना कि ये दोबारा ना जिंदा हो जाए, क्योंकि उनके लिए ये जो था ना ये बड़ी खतरनाक साबित हो रही थी। तो जब तक वो उनको लीड कर रही थी आर्मी को, एक फीमेल फ्रेंच आर्मी को, तब तक उससे इंग्लैंड जो था वो उससे उनको विक्ट्री नहीं मिल रही थी और उनको एक लंबे अरसे तक लड़ना पड़ा था। तो हम कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि जो एक फीमेल है वो एक अच्छी जो है वो कमांडर अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती, तो फीमेल भी अपने आप को एक अच्छी कमांडर प्रूव कर सकती है, और जब तक वो कमांडर रही इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल था कि वो फ्रांस के अगेंस्ट विक्ट्री को इंश्योर कर सके।
ओके, और जो एक एग्जाम्पल हो सकती है वो चाइनीज एम्प्रेस की एग्जाम्पल है और फू हॉ की एग्जाम्पल है। वो जो फू हॉ है वो उसने आपको एक बहुत अच्छा जो मिलिट्री कमांडर के तौर पे अपने आप को जो है वो एग्जिबिट किया, और उसने कोरिया के अगेंस्ट भी फाइट किया, और फिर ना कि उसने फाइट किया और अपने इंटरेस्ट को और अपने लोगों को जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर जो एक पीस था और जो एक हार्मनी थी उसको भी इंश्योर किया। और जो फू हाओ है उसके पास एक अच्छी खासा जो है उसकी एक टेरिटरी थी या उसकी अच्छी खासी किंगडम थी जिसको वो रूल कर रही थी, और जिस तरह उसने रूल किया था वो कहा जाता है कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट है और कैथरीन द ग्रेट है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो एक टेरिटोरियल जो स्कोप है वो इनके पास था, एक बहुत बिग जो किंगडम थी इनके पास जिनको इन्होंने रूल किया था। तो कहते हैं कि उसी का भी जो फू हो का स्टेटस है वो भी इन दोस्त के मुकाबले में किसी हद तक कम नहीं है। ओके, इसी तरह हम कहते हैं कि जो लिटरेरी एस्पेक्ट हैं उनमें भी देखा जाए तो जब भी फीमेल को अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने उसमें भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। उसमें हम अगर हम उर्दू पोएट्री की बात करें तो जो अदा जाफरी है, अदा जाफरी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द फर्स्ट लेडी हु यूज हर नेम इन पोएट्री, और कुर्रतुलैन यानी कि लिटरेरी एस्पेक्ट में जो आप इनोवेशन की बात करें तो वो अदा जाफरी है। उसके बाद कुर्रतुलैन हैदर जो है शी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट उर्दू नावल ठीक राइटर, ठीक है। और जो प्रवीण चाकर है द मोस्ट उर्दू सर्कुलेटेड पोएट्री दैट इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद प्रवीण चाकर। और अगर हम मॉडर्न नावल की बात करें तो वो वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है। और अगर हम बात करें कि द मोस्ट सर्कुलेटेड नावल इन द वर्ल्ड तो वो मार्गरेट मिचेल का है। और फिर इसी तरह मेरिल स्ट्रीप का नाम है कि सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर नॉमिनेशन है वो उसने ली। तो हम कहते हैं कि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी जो वेमेन हैं ये नहीं है कि सिर्फ उनमें मेल का ही है। अब लिटरेरी एस्पेक्ट्स में मेल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट्स में मेल का तो है ही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट तो अगर वेमेन को अपॉर्चुनिटी मिली तो वेमेन ने भी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और उन्होंने अपनी रिकग्निशन को इंश्योर किया और सोसाइटी ने उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। और फिर हम उसके कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट। क्यों फैक्ट है? क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी के बगैर आपकी जो अगर हम 21st सेंचुरीज में कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वो कंट्रीज जिन्होंने इस चीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज को नेगेट किया है उन्होंने उस तरह से अपने आप को ऊपर लेके नहीं आए। और अगर उन्होंने नहीं, अगर वो नहीं भी किया तो अब ऐसा ऐसा वो इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं जिसमें उन्होंने जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं या बाकी जेंडर्स हैं उनको राइट्स देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसमें अब ये बात करें तो जिस तरह अभी रिसेंटली जो सर्टन स्टेप्स लिए गए हैं सऊदी अरेबिया में कि वेमेन को ड्राइविंग की इजाज़त देगी या बाकी कुछ जो चीज़ें, तो उसमें वेमेन्स को राइट्स देना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इसके बगैर जब तक आप दूसरे इंडिविजुअल्स को राइट्स नहीं देंगे तब तक आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो हार्मनी है, आपकी जो यूनिटी है और आपकी जो वेलफेयर स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट वजूद में नहीं आता। तो हम कहते हैं कि इसलिए जेंडर इक्वालिटी जो है दैट इज़ अ फैक्ट, और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने रोल्स को भी इक्वली परफॉर्म किया है अगर उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं तो। प्लस हम ये कहते हैं कि ये अलग बात है कि उन इनको जो मेल हैं उनको सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, और हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा मेल शाविनिज्म को सपोर्ट करती है और वो दूसरे इंडिविजुअल्स को या दूसरे जेंडर्स को इग्नोर करते हैं और उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो है वो उनको डिग्रेड किया जाता है, और जिसकी बेस पे हम ये समझते हैं कि सिर्फ मेल ही एक अच्छा जो है वो लीडर साबित हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेमेन भी करती हैं। तो हकीकत यह है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, ये दिस इज आवर ओन बायसनेस एंड दिस इज आवर लिमिटेड अप्रोच को ये चीज़ शो करती है कि हम जो अपॉर्चुनिटी हैं वो सिर्फ मेल ओरिएंटेड ही होती हैं। और इसमें ये जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है 2016 में, उसमें ये कहा गया है कि अभी भी इट वुड टेक 170 ईयर्स जिसमें हम ये ग्लोबल पे गैप जो है स्पेशली मेन एंड वेमेन का उसको ओवरकम कर सकें। तो हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक मेल ही अच्छा लीडर है, एक मेल ही अच्छे टास्क को परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन रादर देन अ फीमेल, जिसकी वजह से हम फीमेल के रोल को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए था, और अकॉर्डिंगली हम जो है वो वेज डिफरेंशिएशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अभी भी क्योंकि हमारी जो सोच है
उसमें एक जो नैरो अप्रोच है वो ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू रैशनल थिंकिंग, जिसके अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी में डिवीजन को सपोर्ट करते हैं और वेमेंस को उस तरह से रोल्स को अप्रिशिएट नहीं करते। और हकीकत में हम ये देखें कि जो वेमेन हैं, वेमेन का भी सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, रोल है, और फ्यूचर में भी रोल होगा। उसके बगैर जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सो दैट दैट वुड बी आवर कंक्लूजन। ओके, तो अगर हम इसमें क्विज की बात करें कि टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, तो उसमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द थीसिस स्टेटमेंट। एक तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने भी आपसे शेयर की है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहें या उसको बेहतर करना चाहें। देखिए, मैंने जो आपसे चीज़ें की हैं, ये कोई दैट इज़ नॉट अ फाइनल वर्ड, ठीक है? तो ये जो ऐसे होता है, दैट इज़ ऑलवेज इन अ डिबेट फॉर्म, तो उसमें आप एक अपना व्यू पॉइंट लेके आ सकते हैं। तो आप थीसिस स्टेटमेंट जो आपने अंडरस्टैंड की है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसमें आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप एक थीसिस स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। प्लस ये है कि आप जेंडर इक्वालिटी को, अगर हम ये जो आज की वीडियो है इसमें आपने जेंडर इक्वालिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है, क्योंकि हमने शुरू में मैंने आपको की वर्ड्स में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिथ। तो अगर जो जेंडर इक्वालिटी है उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, तो उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं कमेंट्स। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप कुछ मिलिट्री वेमेन की एग्जांपल्स दें कि जिसमें वेमेन ने मिलिट्री में अपना रोल परफॉर्म किया, बीइंग एज अ मिलिट्री कमांडर। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जिसमें आप ये कहें कि वेमेन ने पॉलिटिकली बड़ा अच्छा रोल परफॉर्म किया हो। और हिस्ट्री से आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी रोल जहाँ पे वेमेन ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हो। सो दैट इज़ अ क्विज जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड वेदर यू टुक डीप इंटरेस्ट इन द वीडियो और नॉट। तो आप ये कमेंट्स में इन क्वेश्चंस को एलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन यू कैन ऑल्सो रेज इन कमेंट्स। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू वेरी अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चंस। या उसमें आप अगर फ्यूचर की वीडियो के हवाले से अगर आपको कमेंट करना चाहें एनी हो, तो दैट्स ओपन टू यू। या इफ़ यू हैव इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी, हम उसको भी हम देख सकते हैं। प्लस ये है कि या हम एक और वीडियो नेक्स्ट टाइम बना लें जिसमें हम जेंडर इक्वालिटी को एज अ मिथ के तौर पे ले लें। अभी तो हमने कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ या जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट। या आप ये समझना चाह रहे हैं कि सर एक वीडियो जो है वो जेंडर इक्वालिटी एज अ मिथ के तौर पे, तो हम उसको भी देख सकते हैं। सो व्हाट एवर द क्वेश्चन यू हैव इन योर ओन माइंड यू मे रेज एंड यू मे फील फ्री। एंड थैंक यू वेरी मच।